हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ। इस वाली वीडियो के अंदर हम एक मूवी पोस्टर डिजाइन करेंगे, वो भी काफी ट्रेंडी लुक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया है ऑलरेडी। आप जो भी साइज आपको चाहिए आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक मैंने इमेज डाउनलोड किया था। इन सभी इमेजेस का और सभी ब्रशेस का सभी टेक्सचर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वाली इमेज का मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, तो इसका बैकग्राउंड अगर रिमूव करना नहीं आता है आपको किसी भी इमेज का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। सिंपली मैं क्लिक एंड ड्रैग करके इसको हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आऊँगा और कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसका साइज सेट कर दूंगा। इतना मुझे अभी के लिए काफ़ी है, ठीक है। देन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा एक ग्रेडियंट मैप। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज करूंगा, देन यहाँ पे मैं रेड कलर चूज कर दूंगा। एक थीम चल रही है रेड कलर की इनके मूवी के, इनके सीरीज के साथ में, इसलिए मैं यहाँ पे ये कलर चूज किया हूँ। देन मैं यहाँ पे ओके पे हिट कर दूंगा। और सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट इस ये वाली जो इमेज है टोक्यो की, उसके ऊपर अगर आपको अप्लाई कर देना तो ये वाली बटन को आप प्रेस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड के ऊपर ना लगते हुए बेसिक इसके ऊपर इमेज के ऊपर लग जाएगा। ये बैकग्राउंड के अंदर मैं थोड़ा सा एक टेक्सचर टाइप ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से सॉलिड कलर में रेड कलर अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे रेड कलर अप्लाई करने के बाद में मैंने कुछ टेक्सचर्स यहाँ पे ऑनलाइन flippic.com से डाउनलोड किए थे, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ उनको। और ये वाले टेक्सचर को मैं सिंपली थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके बैकग्राउंड में फिल कर दूंगा। और मैं यहाँ पे जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा और डबल क्लिक करके मैं इसके ब्लेंडिंग मोड के अंदर से एक थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दूंगा। आपको ये नोड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नोड्स को ऑल्ट प्रेस करके आपको थोड़ा सा ड्रैग करके तो फेड हो जाएगा थोड़ा सा। ये दिख रहा है आपको, ये वाला लुक हमें चाहिए था, इसलिए मैंने ये नोड्स को यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके ब्रेक किया, देन मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर रख दिया, देन ओके कर दूंगा। ये वाला जो लेयर है हमारा ये मॉडल का, इसको हम सेंटर में अलाइन कर देंगे यहाँ पे। देन इसके ऊपर मैं एक मास्क अप्लाई कर दूंगा। सिंपली जो भी ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली मास्क करूँगा और मास्क के ऊपर मैं ये बेसिक वाला ब्रश जो है वो यूज़ करूँगा फिलहाल के लिए। ध्यान रहे कि आपका जो ब्लैक कलर है वो सिलेक्ट रहे यहाँ पे, तो सिंपली हमको नीचे वाला जो ये पार्ट है उसको थोड़ा सा ब्लर करना है। तो ठीक है, इतना मुझे काफ़ी है अभी के लिए, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देन सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उसका जो नेम है उसको टाइप करूँगा। मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है ऑलरेडी कंटेंट। सबसे टॉप वाले लेयर के ऊपर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं क्रिएट कर दूंगा एक न्यू डॉक्यूमेंट, सॉरी न्यू फॉन्ट लेयर मैं क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे उसका नाम। सिलेक्ट ऑल करके मैं यहाँ पे सिंपली इसका कलर वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा। फॉन्ट यहाँ पे मैंने लिया है बार्लो, मैं इसको चेंज कर दूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे मॉर्गनाइट का फॉन्ट ले लूँगा कुछ ब्लैक, और इसके प्रॉपर्टीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे मैनुअल पे रोकूंगा इसको, देन इतना काफ़ी है, तो मैं इसका कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में ये चीज़ अप्लाई हो जाए, तो ये वाला जो इफेक्ट है ये काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, तो इस टाइप से काफ़ी कूल दिखता है। तो आप भी अपने पोस्टर्स में आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह का इफेक्ट। मैं सिंपली इसके ऊपर भी एक मास्क अप्लाई कर दूंगा, देन मैं यहाँ से ब्रश सिलेक्ट कर दूंगा और मेरे पास कुछ फॉग्स के ब्रशेस है, मैं उनको इसके ऊपर यूज़ करके देखूंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे फॉग वाला ब्रश सिलेक्ट किया है, इसका साइज़ मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये वाले ब्रश अगर चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है यहाँ पे और थोड़ा सा एक लाइक फॉग टाइप में आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्लर करते जाना है, ठीक है। देन मैं सिंपली इसको रोटेट कर दूंगा ब्रश को यहाँ से, और मैं टॉप साइड से भी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये रहा, ये वाला लुक मुझे काफ़ी पसंद आता है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बैक साइड में, थोड़ा सा एक फॉग टाइप इफेक्ट आ रहा है,
तो आप इस तरह के इफेक्ट भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो फॉन्ट हम टाइप करेंगे या जो टाइपोग्राफी के इफेक्ट है वो जो अप्लाई करेंगे वो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है, आप देख लेना। इसका जो नाम है मूवी का, ये वाला नाम मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेता हूँ। फॉन्ट में इसका चेंज करके यहाँ पे चूज कर लेता हूँ बर्लिन सांस। ये फॉन्ट बाय डिफॉल्ट शायद से आता है, तो इसका मैंने सबके जो जितने भी स्पेस है उसको निकाल दिए, हटा दिए उसको। और ये इफेक्ट को बनाने के लिए सिंपली आपको दोनों को पूरा सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करते जाना है। ओके, देन मैं कंट्रोल टी प्रेस करके कैरेक्टर पैनल के अंदर जाके इसका लाइन हाइट मैं कम कर दूंगा यहाँ पे। देन मैं इसको साइज थोड़ा सा इसका कम कर दूंगा, 15 पे ठीक है यहाँ पे। और इसका जो वर्ड स्पेसिंग है ये थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में चालू है, तो इस तरह के इफेक्ट भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अराउंड इतना मुझे ये ठीक लग रहा है, तो ये काफ़ी कूल दिखता है। आप इस तरह के इफेक्ट भी टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन सिंपली और एक टेक्स्ट मुझे ऐड करना है यहाँ पे 2021। इसका फॉन्ट मैं यहाँ पे चेंज करके रख दूंगा यूरो स्टाइल, बोल्ड में रख दूंगा, और इसको मैं रिसेट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा ताकि ये दिखने में थोड़ा सा और भी कूल लगे। देन मैं ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लेकर आऊँगा, और मेरे पास ये मूवी का नाम है मनी हाइस्ट, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और ये वाला एक टाइपोग्राफी इफेक्ट मैं यहाँ पे बना दूंगा, और इसको सिंपली मैं यहाँ पे रख दूंगा। इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, फिलहाल के लिए अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक कूल टाइप लग रहा है कि ये मूवी पोस्टर बन रहा है हमारा, और इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए हमारे पास एक टेक्स्चर है, मैं सिंपली उस टेक्स्चर को यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके लेकर आता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो साइज इंक्रीज करने के बाद में मुझे सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई में अप्लाई कर देना है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये एक मूवी पोस्टर हमारा बन रहा है। अब एक चीज़ बाकी है, इसके अंदर हमको जो क्रेडिट्स होते हैं उसको यहाँ पे डालना है, तो ये डालने के बाद में ये टोटली एक पोस्टर टाइप, मूवी पोस्टर टाइप आपको लुक आ जाएगा। मैं इसके लेवल्स थोड़े से सेट कर दूंगा यहाँ पे। देन आपको क्या करना है, इन सब को मर्ज करना है, तो मर्ज के लिए एक शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मर्ज करके एक लेयर हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है। सिंपली इस लेयर के ऊपर मैं और एक लेयर ड्रॉ करूँगा और उसका कलर मैं कर दूंगा ब्लैक। देन ब्लैक वाले लेयर के ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मास्क के ऊपर लेकर ब्रश टूल यहाँ पे ले लूँगा और सिंपली मैं यहाँ से एक ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे इस टाइप का थोड़ा सा एक लुक चाहिए था, तो मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेके इस वाले मास्क को मैं यहाँ पे मास्क कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना कूल लुक यहाँ पे आ रहा है हमारे पोस्टर के अंदर, और सिंपली मैं यहाँ पे एक लेवल्स का थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लुक आ रहा है। इस तरह से आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी बैनर्स में, आपके कोई भी मूवी पोस्टर से उसके अंदर आप इस तरह से इफेक्ट्स डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो मूवी पोस्टर है ये बन के रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये ट्यूटोरियल आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप में से 70% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और भी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।